हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम फैशन। ब्लाउज का डिज़ाइन बनाने के लिए ब्लाउज के बैक पार्ट की लंबाई ली है 14 इंच, शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 6 इंच, सीना 11 इंच एंड कमर के लिए 10.5 इंच लिया है। अब हम करेंगे इसमें गले की मार्किंग। तो गले की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच, गले की लंबाई 9.5 इंच, नीचे के साइड से गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाकर रेडी कर लेंगे। देन कुछ इस तरीके से हमें गले को शेप दे देना है। नीचे के साइड भी हम इसमें कुछ इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। गले में फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पर ये पेपर पेस्टिंग लिया है। इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और एज इट इज़ गले की मार्किंग कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग पर भी हम गले के डिज़ाइन की कटिंग कर लेंगे। बाहर के साइड से हम इसे एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। अस्तर को ओपन करेंगे, उसके ऊपर हमें पेपर पेस्टिंग रखना है और अब हम इसे आयरन से चिपका लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे आयरन से चिपका लिया है। सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रखकर हम इसे अच्छे से पिन से सिक्योर कर लेंगे और गले के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। नीचे वाले डिजाइन में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमें अंदर के फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। गले में छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। नीचे वाले डिजाइन जो कट की थी उसे भी हम अंदर के कपड़े को कट करके निकाल देंगे और इसमें भी हमें छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। अब हमें इसे पलटना है। पलटने के बाद हम इसमें एक सिलाई और लगाएंगे ऊपर से फिनिशिंग के लिए। सिलाई हमें हाफ पैर का मार्जिन छोड़ते हुए लगाना है। गला बन के रेडी है। अब हम इसमें कमर पट्टी लगाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 2 इंच चौड़ी अस्तर की पट्टी ली हुई है। इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और एक साइड से सिलाई लगाएंगे। पट्टी को पलटेंगे, एक सिलाई फिर से लगाएंगे। सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे। पट्टी को अंदर की तरफ पलट के एक सिलाई और लगाएंगे तो ये हमारी कमर पट्टी बन के रेडी हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें बैक टक्स की सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे बैक टक्स की सिलाई भी लगा लेंगे। अब हम इसे कर देंगे साइड में। डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक चौकोर पीस में कपड़े कटे हुए कपड़े लिए हैं।
ये 3.5 बाई 3.5 इंच के टुकड़े हैं, इन्हें हम अच्छे से सेट करके रखेंगे और एक पिन से सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद कोई गोल चीज़ लेंगे और इन सभी फैब्रिक के टुकड़ों पर हम मार्किंग कर लेंगे और इसे गोलाई में कट कर लेंगे। इसके बाद हमें इसे कुछ इस तरीके से पलटना है, ट्रायंगल शेप दे देना है और एक सुई से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे पीस को ट्रायंगल शेप में पलटेंगे और इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें सभी पीस को ट्रायंगल शेप में पलटते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। मैंने यहाँ पर ये 6 पीस लिए हुए हैं और इन सभी में सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम धागा को टाइट खींचेंगे और इसमें अच्छे से नोट लगा लेंगे। नोट लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके बीच में हम एक फैंसी बटन को अटैच कर देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 7.5 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा कपड़े का टुकड़ा लिया हुआ है। दूसरा कपड़ा हमने 9.5 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा लिया है। इसे हम कुछ इस तरीके से शेप देते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। वीडियो में दिखाए अनुसार आपको सिलाई लगा लेनी है और इसे पलट लेना है। पलटने के बाद हम इसमें ऊपर की तरफ से एक सिलाई फिर से लगाएंगे। एक पट्टी बनके रेडी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी को भी बना लेंगे और इसे एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से रखते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, इसे भी साइड में करेंगे। इसके बाद हम ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज के गले में हमें पतली वाली लेस लगानी है। लेस को हम गले के बिल्कुल किनारे किनारे लगाएंगे। लेस को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है लगाते टाइम। नीचे के साइड हमारे कॉर्नर निकले हुए हैं तो कॉर्नर में हमें लेस को अच्छे से सेट करते हुए लगाने हैं। यहाँ पर मैंने लेस की एक लेयर लगा ली है। इसके बाद हम लेस की सेकेंड लेयर लगाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक चौड़ी वाली लेस ली हुई है और अब हम लेस के बीच में कुछ थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे और दूसरी लेस को भी इसमें अटैच कर लेंगे। पूरी नेक में हमें इसी तरीके से लेस को अच्छे से अटैच कर लेना है। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पर लेस में सिर्फ एक ही सिलाई लगाई है। आपको चौड़ी वाली लेस में एक सिलाई और लगा लेनी है। अब हम एक पट्टी लेंगे और पट्टी को हम यहाँ पर बीच में रखते हुए इसके दोनों साइड सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेंगे।
इसके बाद हमने जो पट्टी और फ्लावर ली थी, सबसे पहले हम पट्टी बनाए रखेंगे, उसके ऊपर फ्लावर को रख के हम इसे अच्छे से पक्का कर देंगे। तो ब्लाउज का फाइनल लुक ये है।